क्या शुरू करें? सबसे पहले तो आपका प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में इस पीसी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा सदस्य कांग्रेस कार्य समिति आदरणीय राजीव शुक्ला जी पधारे हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं चाहूंगा कि सीधे ही आदरणीय राजीव शुक्ला जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सराज जी और हमारे मंच पे बैठे हुए प्रवक्तागण, अरोरा साहब, हमारे पत्रकार बंधुओं। चुनाव के वक्त तो आपसे बहुत मुलाकात होती थी, उस समय यहाँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। काफ़ी दिन बाद आप सारे मित्रों से मिलना जुलना हो रहा है, देखती बहुत अच्छा अवसर मिला आपसे मुलाकात का। दूसरे एक उद्देश्य है जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारे पार्टी हाईकमान सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी की तरफ से। एक मुद्दा उठाया गया, दो मुद्दे उठाए गए, उनको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये मुद्दा है, पहला मुद्दा है मोनेटाइजेशन का। अचानक सरकार ने घोषणा की, केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने घोषणा की, निर्मला जी ने, कि जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको जो है प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में, उद्योगपतियों के हाथों में सौंपा जाएगा और उससे सरकार 6 लाख करोड़ जो है कमाएगी, जो विभिन्न चीजों पे खर्च करेगा। सबसे पहली बात तो है कि कोई भी पार्टी सत्ता में आती उसे कुछ अधिकारी नहीं है कि जो 67 साल या 70 साल में देश की जनता के पैसों से जो बड़े बड़े उपक्रम बनाए गए हैं, बड़े बड़ी चीजें बनाई गई हैं, उनको आप ऐसे प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में, ये जो है उद्योगपतियों को, कारपोरेट घरानों को बेच दें, ये उचित नहीं है। कहने के नाम पे कह रहे हैं तो किराए पे दे रहे हैं, 50 साल 60 साल 30 साल 90 साल की कोई किराए तो ऐसे ही जैसे लीज का पट्टा होता। यहाँ पे आप कोई मकान खरीदते हैं, प्लाट लेते हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तो लीज पे ही होता, लेकिन होता तो अपना ही है ना, वो बाद में कहाँ लौट के मिलता है। तो ये जो है एक तरीका उन्होंने निकाल के जो संपत्तियां, राष्ट्रीय संपत्तियां, सरकारी संपत्तियां बनाई गई हैं, वो ये बेचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल देश बेचने का काम इन्होंने अपने हाथ में लिया है कि कैसे करके इसको जो है ऐसे अपने खास लोगों के हाथों में बेच दो, ऐसे कॉर्पोरेट घरानों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दो कि जो सरकार के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। और यही चलता रहा अगर इसको नहीं रोका गया, इसलिए इसका विरोध हम लोग ज्यादा के कर रहे हैं। तो क्या क्या नहीं बेच देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। कल को अगर भाजपा की सरकार यहाँ आए और केंद्र में उनकी सरकार अगर हो तो हवा महल बेच देंगे जयपुर का, ये आमेर का किला बेच देंगे, ये चित्तौड़गढ़ का किला बेच देंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहेंगे क्या बात, इनको दे दो, इनको दूसरों को दे दो। तो ये अगर रहे इनकी चली भाजपा वालों की, तो ना हवा महल बचेगा, ना आमेर का किला बचेगा, ना चित्तौड़गढ़ का किला बचेगा। और इस टाइप की जितनी धरोहरें हैं उन तक को बेचने का काम, दिल्ली में आपको पता है कि लाल किला बेचने की बातचीत ऑलमोस्ट इन्होंने किसी कलकत्ता की कंपनी से कर ली थी, किसी ग्रुप से, कोई डालमिया ग्रुप या क्या था वो, तो बाद में हंगामा हुआ तो इन्होंने जो है चुप होके बैठे, लेकिन की पूरी थी कि लाल किले को भी उसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दो, निजीकरण कर दो, लोगों को दे दो उनको। तो ये जो राष्ट्र की धरोहरें हैं, राष्ट्र की संपत्ति है, उसको जो बेचने का काम कर रहे हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आप लोगों की मदद इसमें चाहिए कि आप लोग इस मुद्दे को उठाएं ताकि इस तरह की चीज बंद हो। किसी भी सरकार को सत्ता अगर जनता वोट देती, इसलिए थोड़ा देती कि देश बेच दे, जब आप वोट देने जाते हो, बटन दबाते हो, तो ये इसको अधिकार दे देते हो कि जो चाहे सो करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देश का ये ख्याल होता है। और जो ये चीज बेचने का काम कर रहे हैं, जो अभी तक पता चला, आप देखिए 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे ये बेचने जा रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, 400 रेलवे स्टेशन,
150 रेलगाड़ियां, रेलवे की पटरियां और जो उनके सेट्स हैं रेलवे के लोको सेट्स, वो ये काम चल रहा बेचने का। 42,300 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क जो जाल बिछाया इतने साल में बिजली वितरण का, वो जो बड़े बड़े खंभे आप देखते होंगे, बड़े बड़े तारों का करके NTPC और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन सबने लगाए, उन सबको बेचने का काम निजी लोगों के हाथ में, बड़े उद्योगपतियों को। 6,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो सोलर विंड सेट्स फ्रॉम NHPC, NPT, NTPC, NLC। आप जानते हो NTPC वगैरह, NHPC वगैरह कि कितने साल में बने। और जब प्राइवेट वो बिजली वाले भी अपने दाम बहुत बढ़ा देते हैं जो निजी पावर कंपनियां, तब भी NTPC, NHPC ये जो सरकारी है ये वाजिब दाम पे राज्य सरकारों को बिजली देते हैं। ऐसी कोई राज्य सरकार नहीं है जिसका NTPC का बकाया ना हो, इन्हीं से लेके बिजली फिर आगे लोगों को राज्य सरकारें देती हैं। अगर NTPC भी आपने प्राइवेट हाथ में किसी बिजनेसमैन को, किसी उद्योगपति को बेच दिया, NHPC जो हाइड्रो पावर वो भी किसी को बेच दिया, NLC भी किसी को बेच दिया, तो जो है वो कितने भी अनाप शनाप दाम बढ़ा देगा। फिर आपको बिजली जैसे पेट्रोल जो कहा था कि 50 रुपये लीटर पेट्रोल हमारी सरकार आ जाएगी बेचेंगे और 30 रुपये लीटर डीजल बेचेंगे, 800 रुपये पेट्रोल पार कर गया, कोई कुछ कर पा रहा क्या? सब चुप बैठे हुए, कहाँ गया वो वादा कि 50 रुपये। वैसे ही बिजली जो है अगर ये कह देंगे वो बढ़ा देगा कि सब 20 रुपये यूनिट हम देंगे, एक एक आदमी के घर में 10,000 रुपये का बिजली बिल आएगा, आप क्या कर पाओगे? बिजली काट देंगे वो प्राइवेट वाले, वो तो मानती नहीं इस मामले में, तुरंत बिजली काट देते हैं आपका जो करना। तो ये जो इनका है कि NTPC बेच देंगे, NHPC बेच देंगे, NLC बेच देंगे, जितने ये पब्लिक सेक्टर, 8,000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन तो गैस जाती है इसकी, 8,000 किलोमीटर पाइपलाइन आप बेच देंगे, जो ये गैस सप्लाई होती है सब जगह, जिससे आपके सिलेंडर भरे जाते हैं, जो फर्टिलाइजर के भी काम में आती है, खाद कारखानों इन सबके लिए राष्ट्रीय फर्टिलाइजर निगम लिमिटेड है उससे खादी बनती है, ये आप बेचने की बात कर रहे हैं। प्राइवेट हाथों में चला गया, राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा है, बीच में कहीं कोई कंपनी, जो ये उद्योगपति कंपनी, इनके तो अंतर्राष्ट्रीय भी इक्विटी होती है, उनकी शेयर आधारता होती है विदेशी कंपनियों की उनमें, और वो जो है वो कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं वहाँ से, तो उससे इतनी बड़ी सुरक्षा का भी खतरा हो सकता है। 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने HCCL की पाइपलाइन जहाँ से तेल आता है, वो पाइपलाइन भी 4,000 किलोमीटर ये लोग बेचने के जुगाड़ में है। 2.86 किलोमीटर सा भारत नेट फाइबर्स BSNL MTNL टावर्स जो जाल बिछाया था आप लोगों के पैसे से, जनता के पैसे से, हर जगह जगह टावर लगे थे, केबल बिछाए गए थे, सब ये हुआ था, वो सब टावर सारी वो जो है इसकी लाइन में जो मेगा वो है जो ये होती है, आप जानते हैं कि जो बहुत ही कीमती होती है जिसके जरिए जो है सारे फ़ोन के सिग्नल जाते हैं, और उसको जो है इन सारी चीज़ों को जो ये लोग हैं भारत नेट फाइबर्स की, जिससे आपका वाईफाई आता है, ये भी प्राइवेट हाथों में बेचने के चक्कर में ये लोग, ये बड़ी सीरियस चीज़ है, मैं इसको सरकार के विरोध के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप खुद भी एक पत्रकार का एक तरफ है, ये सोच के सोचिएगा कि ये सब अगर प्राइवेट हाथ में पहुंच गया, वाईफाई नेटवर्क भी, इंटरनेट भी, हर चीज़ जो है सब लाइनें भेज देंगे, टावर आप भेज देंगे, सब कुछ प्राइवेट हाथ को दे देंगे तो क्या होगा? और वो भी 6,00,000 करोड़ के लिए, अरे ये तो कम से कम जो है 60-70 लाख करोड़ की चीज़ इतने साल में बनी है, आज जो है कितनी विदेशी कंपनियाँ इसको आके पीछे से, आगे इंडियन रहेगा पीछे से ये करके ले लेंगे। 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज, मतलब ये राष्ट्रीय खाद्य निगम सब खत्म, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जितने ये बने हैं ये सब मेट्रिक टन, ये जो इतने दोनों में जगह जगह आपने देखा भंडारण निगम सब जगह ही बने, ये सब बेचने का इनका जो है 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, ये भंडारण भी ये सब बेचने के चक्कर में है। 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स, जो कोल इंडिया, हर समय जब किस प्राइवेट उसमें ये हो जाता है तो कोल इंडिया ही सप्लाई करती है कोयला, जो घर घर में अंगीठी में जलता कहीं जलता सब जगह, कोल इंडिया ने देश को बचाया हुआ, वो सारे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट जो हैं कोल इंडिया के 160 वो सब बेचने के चक्कर में। जो प्राइवेट माइनिंग तो हो ही रही है, वही नहीं ढंग से चल पा रही,
तो अब आपकी जो सरकारी जो कंपनी कोल इंडिया वगैरह चलाती हैं या कई सरकारी कोल कंपनी है पूरे देश में, उनकी भी लेके आप उन्हीं को दे दे रहे हैं प्राइवेट, फिर कोयले का दाम क्या होगा आपको अंदाजा किस हिसाब से लोग जो है ये करके कर, हर चीज इतनी महंगी हो जाएगी कि आपके बस में कुछ नहीं रहेगा। 25 एयरपोर्ट अथॉरिटी के एयरपोर्ट, कई ऐसे एयरपोर्ट हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से चलाती है कि जहाँ बहुत आमदनी है, और कई ऐसे एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी क्योंकि सरकार होती है जहाँ आमदनी नहीं है, कम ट्रैफिक है, लेकिन वहाँ भी एयरपोर्ट अथॉरिटी चलाती है क्योंकि उस वहाँ से जो पैसा आमदनी होती है उसके जरिए वो छोटी छोटी जगहों पर एयरपोर्ट चलाती है। आमदनी बहुत नहीं होती लेकिन उसकी जिम्मेदारी होती, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे छोटी छोटी जगह जहाँ आमदनी बहुत नहीं है, लेकिन उसी खर्चे से चलाती। अब उसमें वो तो कोई लेगा नहीं जो जहाँ पे पैसे की आमदनी नहीं, वो तो अच्छे वाले एयरपोर्ट सारे ले जाएंगे, तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी तो जीरो हो जाएगी। तो छोटी छोटी जगह जो चलाने की एयरपोर्ट चलाने की जिम्मेदारी है वो क्यों जाएंगे जहाँ आमदनी नहीं, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने आप बंद हो जाएगी, उसकी जब आमदनी कहीं से नहीं रहेगी तो छोटे छोटे एयरपोर्ट छोटी छोटी जगहों पर जो लोगों के लिए चाहे नॉर्थ ईस्ट हो पूरा उत्तर पूर्व राज्य हो या देश के और कोने कोने में जो एयरपोर्ट बने हैं सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएंगे। पोर्ट जो है ये जो बंदरगाह, 9 बंदरगाह बेचने का इनका पूरा चल रहा है, और 2 राष्ट्रीय स्टेडियम, दो नेशनल स्टेडियम जो है, अब कौन से तो मेरे ख्याल दिल्ली का राष्ट्रीय ऐतिहासिक और कौन से जो ये सरकारी स्टेडियम है जो राष्ट्रीय स्टेडियम वो भी बेचने का इनका ही कुल मिला के तो अभी लिस्ट है और भी बढ़ती चली जा रही है। जैसे मैंने कहा कि हवा महल भी बेच देंगे, अमेरिका किला भी बेच देंगे, चित्तौड़गढ़ का किला भी बेच देंगे, जो कुछ है तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा ये जो है। कोई ये नहीं है कि ये मैं आसानी की बात कर रहा हूँ, हल्की बात कर रही हूँ, सोचने की बात। एक बार अगर इन्होंने शुरू किया तो ये रुकने वाला नहीं है। और फिर अगर आप रेलवे लाइन नहीं, रेलवे नहीं चला सकते तो आप सरकार में कोई बैठे हो, अगर आप गैस पाइपलाइन के काम नहीं कर सकते सरकार में कोई बैठे हो, अगर आप बंदरगाह नहीं चला सकते तो सरकार में कोई बैठे हो, अगर टेलीकॉम सर्विस वाई फाई ये सब आप नहीं दे सकते तो सरकार में कोई बैठे हो, अगर जब सब बेच ये अगर सड़कें नहीं बना के जनता को चीज दे सकती तो आप या सरकार में कोई बैठे हो, आप राष्ट्रीय राजमार्ग बोल दे वो क्या टोल टैक्स लगाएंगे आपको पता, वो आपका देखो अब तो अपना मुनाफा देंगे वहां पे। तो हर जगह जनता को पैसा देना पड़ेगा, जनता का पैसा उससे ही सब बने। फिर आप इस पैसे को 6 लाख करोड़ एक बार आपने ले लिया, इसके बाद क्या करो, वो पैसा कहाँ खर्च होगा, तो आप सेंट्रल विस्ता बनाओगे, प्राइम मिनिस्टर घर बनाओगे, प्रधानमंत्री का जहाज खरीद के आएगा, इन सब में पैसा गड़प हो जाएगा। तो वो राष्ट्रीय जो ये जिनको बोलते हैं राष्ट्रीय संपत्तियां, राष्ट्रीय एसेट्स जो राष्ट्रीय धरोहरें ये बनी है 70 साल में, इनको ये तो बेच खाएंगे और फिर चुनाव हार देंगे, चल देंगे कि भाइयों बहनों अब मैं चलता हूं, अब आप जानिए, जिसको आपने 60 साल के लिए दे दिया वो तो लौटा नहीं सकता, तो कानून में सब कुछ हो जाएगा। और इस पे भी सुनिए, उसको भी जो है बैंक से लोन मिलेगा ही खरीदने के लिए, वो भी आपका ही पैसा जनता का जो बैंकों में, उससे ही खरीदेगा वो, बाद में वो कह देगा कि हम तो चुकता नहीं कर पा रहे। तो हर तरफ से आपकी ये वैसे हुआ कि आपने बड़ी मेहनत से घर बनाया आपके बाप दादों, फिर आपने उसको लंबे किराएदार को रूप में लीज पे किसी को दे दिया, उसी ने आपसे लोन लिया कि आपका घर हम आपसे खरीद रहे हैं, और इसका घर पे कब्जा हो गया, आप बाहर खड़े सड़क पे। ये पूरी जो है योजना इसी किस्म की है, ये कुछ उद्योगपति कुछ कारपोरेट घराने जो जो है जिनके हाथों में सारी राष्ट्रीय संपत्तियां सारी राष्ट्रीय चीजें चली जाएंगी और फिर कुछ नहीं बचेगा सरकार के पास, कहीं कुछ नहीं रहेगा। तो अगर आप रेल नहीं चला सकते, सड़कें नहीं चल बना सकते या चला सकते, राष्ट्रीय राजमार्ग, बिजली सप्लाई नहीं कर सकते, गैस सप्लाई नहीं कर सकते, वाईफाई नहीं लोगों को दे सकते, डिजिटल मीडिया इसका सुविधा आप नहीं दे सकते हो, पोर्ट बंदरगाह नहीं चला सकते हो, ये सारी चीजें नहीं चला सकते हो, तो आप सरकार में क्या चला रहे हो, किस लिए आए, आप हटिए, आपको सरकार में बैठने का क्या अधिकार। सरकार तो इसीलिए होती ना कि हमारी भी पॉलिसी थी, मैं भी मिनिस्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हम लोगों ने जो पॉलिसी थी वाजपेयी जी के जमाने में थी, वाजपेयी जी ने किया था कि सिर्फ आप वही संपत्तियां बेच सकते हैं जो बहुत घाटे में है, जिसमें सरकार जो चल नहीं पा रही, सरकार को उसमें घाटा हो रहा और सरकार जो है चला नहीं पा रही, उसमें तो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी लेके आप ताकि सरकारी पैसा बचे और वो चलता भी रहे। दूसरे
कुछ संपत्तियां स्ट्रेटेजिक होती है, रणनीतिक सामरिक, जिनकी जरूरत होती है। जैसे आप जो है ये गन्स बनाने का, स्टिंग गन ये सब बनाने का काम आप जो है नहीं दे सकते, मतलब ऐसी जो है कल को ये परमाणु ऊर्जा ये सब चीज़ें जो है स्ट्रेटेजिक एसेट्स बहुत होते हैं कि जो आप नहीं दे सकते हैं लोगों को, वो जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसी जगह जहाँ मोनोपोली हो जाए, समझ लो कोई चीज़ ऐसी है कि वो जनता में उसकी बहुत जो है खपत होती है, चाहे बिजली हो चाहे जो हो या दूसरी चीज़ें गैस ये, अगर आप सिर्फ प्राइवेट कंपनी को दे दोगे तो वो मोनोपोली कर लेगी एकाधिकार, और दोनों मिल जाएंगे दो या तीन लोग, और इसके बाद दाम बढ़ा देंगे और जनता को बहुत महंगा कर देंगे। वहाँ क्या है कि सरकारी उपक्रम जब वो आ जाते हैं तो फिर उन पर कंट्रोल रहता है कि यार हमसे नहीं तो उनसे ले लेगा वहाँ से ये। तो उसी ये सब कही जाती है कि रणनीति वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ जनता के हित को ध्यान में रखना पड़ता है, तो उन जनता के हितों को ध्यान में रख के हम जो है सरकार कई क्षेत्रों में अपने उद्योग, नेहरू जी ऐसे थोड़े थे, उन्होंने इसको सोच समझ के तो किया था। स्टील तब बनाना तो कौन आ रहा था प्राइवेट कंपनी स्टील बनाने, नेहरू जी ने स्टील अथॉरिटी इंडिया की स्थापना की, सब बनाया, बड़ी बड़ी गन फैक्ट्री लगाई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई, ये सब कितने सालों में, बिजली के तमाम उपक्रम लगाए, ऐसे करके उन्होंने देश को बनाया था कि देश की जनता बना, प्राइवेट तो क्या करेंगे इसका पता नहीं। और आज आप सरकार के हाथ में कुछ नहीं तो जनता के हाथ में फिर क्या रह जाएगा। इसलिए एक बेहद गंभीर मामला है जिसको लेके आपके सामने रख रहे हैं कि इसको आप लोग भी इसमें सहयोग दीजिए कि ये जो है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक तो इनका कोई वाजिब मूल नहीं मिल रहा, कहते हैं तो हम किराए पर दे रहे हैं 60-60, 70-70 साल के लिए, आप अपना मकान भी तो 11 महीने से ऊपर किराए पर नहीं देते, जो किराएदारी की रजिस्ट्री करते हो कितने दिन की करते हो एग्रीमेंट 11 महीने का, क्योंकि किराएदार पहले खाली नहीं करता था, लोग फंस जाते थे, तो उसके बाद से 11 महीने की किराएदार, यहाँ 50-50, 60-60 साल की अगर आप किराए पर दे रहे हो, कौन लौटाने वाले 60 साल बाद आप हो गए जो देने वाले हैं, हैं? और जो लेने वाला है उसके भी नाती पोते बच्चे होंगे तो कौन ही आपको देगा, सब लेगा बड़ी उनका पूरा अधिकार हो जाएगा। 12 सिकमी किराएदार कहा जाता था, 12 साल जो रहेगा उसे खाली नहीं करा सकते, कोई कोर्ट में आप दौड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ तो आप 60-60 साल के लिए किराया तो सिर्फ नाम का शब्द लगा दिया, और किराएदार को कोई लोन देता है कि हमारा मकान ले लो किराए पे, हम आपको लोन दे देंगे, हम ही आपको कर्ज दे रहे हैं, आप ही लोन पे ले हमारा और आप ही हमारा मकान किराए पे ले, कहीं सुना? तो इस तरह की ये जो व्यवस्था है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, सरकार से कहते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, विराम लगना चाहिए। इसको राहुल जी ने भी, प्रियंका जी ने, सबने इसका पुरजोर विरोध किया है, तो उस चीज़ का हम समर्थन आप लोगों से मांगने आए और इसको करने आए, राजस्थान की जनता से भी। और दूसरा एक विषय जो अभी परसों पीएचईसी में राहुल जी ने उठाया कि लगातार गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम तो सैकड़ा पार कर चुके हैं, डीजल भी जो 30 रुपये देना था वो 80 रुपये का करीब पहुंच गया है। और उससे क्या होता है, जब पेट्रोल डीजल बढ़ती है और गैस बढ़ती है तो जनरल महंगाई बढ़ती है, हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि जो है लोगों को जो आप सामान ढोते हैं भाड़ा बढ़ता है तो उससे सब चीज़ बढ़ जाती है। तो आदमी की जेब से लगातार ये बढ़ाए चले जा रहे हैं, जबकि विश्व बाजार में, मैं योजना मंत्री था देश का, हमारे पास रोज रिपोर्ट आती थी कि क्रूड ऑयल का दाम क्या, हमारे ज़माने में $105 से लेकर $120 के बीच में क्रूड ऑयल का दाम गया था, तब भी हम पूरी उस मुसीबत के बावजूद भी 60-70 रुपये लीटर में पेट्रोल देते थे। और इनके ज़माने में तो क्रूड के दाम एक बार तो $22 पे आ गए सिर्फ, और $30-40 आज भी अगर देखो जाए तो 60-70 के बीच है, मतलब एक तरह से आधे दाम पे विश्व बाजार से मिल रहा है इनको तेल। इसके बावजूद भी यहाँ ये दुगने दाम पे बेच रहे हैं, जो हमारे ज़माने में था, मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में था, उससे दुगने दामों पे जनता को बेच रहे हैं और आधे दामों में विश्व बाजार से खरीद रहे हैं। तो ये कौन सा तो है, इसका तो आप जनता को कोई लाभ नहीं दे रहे, और उसके जरिए आपने 22 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल गैस में जो है कमाया है जनता से, वो 22 लाख करोड़ के हिसाब किताब कहाँ आपने खर्च किए, इन्हीं सब चीज़ों, अनाज सब चीज़ों पर आप खर्च कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये जो जनता को लूटने की योजना चल रही है, एक तरफ तो जनता के बनाए हुए घर सब बेच दो, जो उनकी जो है धरोहरें हैं वो सब बेच दो, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल गैस के जरिए उनसे जरूरत से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लो,
जीएसटी की जबरदस्ती वसूली, विश्व में कहीं आप चले जाइए जहाँ जहाँ लॉकडाउन लगा है उन्होंने हर एक को राहत दी है, चाहे छोटी छोटी व्यापारिक संस्थान हो, चाहे दुकानें हो, चाहे जो है छोटे व्यापारी हो, चाहे छोटी छोटी फैक्ट्री वाले हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, सबकी सबकी तनख्वाहें सरकार ने दी। प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी करने वाले की तनख्वाहें सरकार ने, आज तक अभी इंग्लैंड में मैं था वहाँ से सितंबर तक अभी तक तनख्वाहें सरकार दे रही उन सबकी, किसी पे कोई बोझ नहीं डाला कि भाई लॉकडाउन हमने लगाया तो सारी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ इन्होंने किसी को कोई राहत नहीं दी, उल्टे जिससे कुछ वसूलना है तो फुल वसूल रहे हैं वहाँ पे। जीएसटी अगर आदमी न दे पाए, छोटे छोटे दुकानदार व्यापारी तो उनकी छाती भी चढ़ के ले लेते हैं टैक्स, गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं, जिससे इनकम टैक्स लेना गिरफ्तार करने की धमकी, जिससे कस्टम वो लेना और एक्साइज उसको गिरफ्तार करने की धमकी, जिससे इनकम टैक्स का रिटर्न भरना, कहीं कोई छूट है ही नहीं। लॉकडाउन तो पूरा आपने लगाया लेकिन कहीं किसी को कोई राहत तो छूट दी नहीं, उल्टे हर महंगाई ने हद पार कर दिए, हर चीज़ की बेतहाशा कीमतें और लोग चुप बैठे बेचारे क्या करें देख रहे, क्योंकि वो राष्ट्र के नाम संदेश, और जब कोरोना आया तो राष्ट्र के नाम संदेश कहाँ चला गया पता नहीं, जब दूसरी वेव आई इतने लोग तरह तरह कर रहे थे तो राष्ट्र के नाम कहीं संदेश था ही नहीं, पता ही नहीं था कि क्या होगा, जब ऑक्सीजन की किल्लत मची हुई थी, जब इंजेक्शन की रेमडेसिविर की कौन कौन इंजेक्शन की किल्लत थी तो राष्ट्र के नाम संदेश कहीं नहीं था। तो ये चीज़ें जिम्मेदारी से भागना, देश की संपत्तियों को बेचना, महंगाई को बेतहाशा कर देना, ऐसी केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनता को करना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। और भाजपा को जो है आप लोगों के जरिए मैं जनता से आग्रह करने आ रहा हूँ कि ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा जो है वो अपना मुंह भी न दिखा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब दूंगा। राजीव जी, आपके ये जो सारा डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस है, कांग्रेस पार्टी इसके लिए इस आंदोलन के अलावा, आपके पास कोर्ट जाने का रास्ता था और बहुत सारे रास्ते थे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में याचिका दायर कर सकते थे जहाँ मोनोपोली का उल्लंघन हो रहा है, कांग्रेस ने अभी तक इन रास्तों को अपनाया क्या? देखिए, आपने देखा होगा पहले भी क्या कि आप कोर्ट में, ये तो चाहते हैं कि आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट से एक हुआ जाए और खत्म बात, आप कुछ कर नहीं सकते। हम तो जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं, सबसे बड़ी अदालत जनता है, वहां जाएंगे। आपने पहले तमाम मसलों पे देखा होगा क्या हुआ, ये पहले से अपना ये करके आप देखिए राफेल पे क्या, फ्रांस में तो जांच हो रही है, यहाँ ही अपना उन्होंने कोर्ट से कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं इसमें जांच की जरूरत नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं उन्होंने कह दिया खत्म बात, अब आप बात ही नहीं कर सकते। तो वो जो है ना, ये हम तो जनता की दलील, इससे बड़ी कोई कोर्ट नहीं जो आपके जरिए। देखिए, जो विपक्ष में होता है और जो राजनीतिक दल होता है उसका तो उसके पास एक ही अधिकार होता है, हथियार होता है आंदोलन और अपनी बात जनता के बीच पहुंचाना। आज आपने देखा होगा कि हम वो चीज़ पुरजोर ढंग से, चाहे संसद हो उसमें भी उठा रहे हैं, और चाहे जो है सड़कों पर उतरने की बात हो। अब ये कि आप लोगों का सहयोग चाहिए, कई बार क्या होता है कि मीडिया का पूरा वर्ग सहयोग नहीं देता है ना, और वो कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जो पहले से लाइन तय करके वहीं पर चलाना शुरू कर देते हैं, फिर उसमें जो है मोदी की मुट्ठी में चंद्रमा भी आ गया, वो तो गिर गया न, तो चंद्रमा भी हाथ में आ गया था, सब चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया था, याद है आपको। तो ये सब भी एक समस्या हमारी कि इसलिए आपसे करवे तो प्रार्थना कि आपका सहयोग मिले तो जो हम अपनी बात कम से कम विपक्ष की बात तो जनता तक जाए। हम तो ये जो राजनीतिक दल है और विपक्ष वो बात ही कर सकता, आंदोलन कर सकता, और तो कुछ ये तो है नहीं, और क्या उपाय अपनी बात रखने के अलावा, और बात पहुंचाने के लिए आप ही हैं माध्यम सबसे बड़े। हाँ देखो, आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि एजेंडा मैनिपुलेट करके जो है ये डाइवर्ट की जा रही चीजें, तो मीडियम तो वही, तो मैं मीडिया से कह रहा हूँ कि भैया एजेंडा और मैनिपुलेशन मत आओ और उस ढंग से वो करके चलाओ, असर होगा जनता में, जरूर असर होगा। आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में असर हुआ,
वहाँ सरकार जनता ने बदल दी, लेकिन जो है इन्होंने तुरंत फिर धन और बल और पैसे का इस्तेमाल करके तोड़ने की कोशिश की और जबरदस्ती वहाँ सरकार बने। गोवा में जबरदस्ती एमएलए को तोड़ फोड़ करके केंद्र सरकार के का इस्तेमाल करके सरकार में, तो जनता अपना काम कर रही है, जनता इनको सबक सिखाती है। भाई बोलने दे पूरी। हाँ बोलिए। बड़ी समस्या है, CIWIE के अनुसार 8.3% जुलाई से अगस्त में 15 लाख बेरोजगार ड्यू टू कोरोना। नहीं बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया है कि उसके पहले से उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे 2014 में, लेकिन 2 करोड़ के 10 लाख नौकरियां भी साल में ये जो है नहीं दे पाई। और कोरोना की वजह से जो मैंने पहले ही बात उठाई कि लॉकडाउन और सब डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की वजह से जो है इतनी फैक्ट्रियां बंद हुई, इतनी कंपनियां बंद हुई कि वो सब बेरोजगार हो गए, तो बेरोजगार बढ़ते चले जा रहे हैं। कहाँ आप चाहे रियल एस्टेट सेक्टर देख लो, चाहे दूसरे देख लो, सब बंद हो गए, ठप हो गए, गाँव के लोग जाके बैठ गए, गाँव में कैसे अपना चला रहे, कितने लोग पलायन कर गए लॉकडाउन। तो बेरोजगारी का आपने बहुत सही प्रश्न उठाया, बेरोजगारी का बहुत बड़ा जो है संकट है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, 30 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हैं, ये बहुत बड़ा संकट समस्या है, लोग बहुत जूझ रहे हैं। ये हमारा मुद्दा लगातार, इसलिए हमने आज आपको याद हो कि हमने 6,000 रुपये महीने जो है देने की बात कही थी, 72,000 रुपये न्याय योजना के जरिए, कि ताकि लोगों का खर्च ये सब चलता रहे, तो उसी वजह से तो रोजगार तो बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है, युवा तो परेशान है उसको हर तरफ से। तो एक तरफ ये लॉकडाउन की वजह से इसकी वजह बंद हो रहे, और फिर एक विचित्र बात है, एक तरफ आप कहते हो कि डिमोनेटाइजेशन हमने कर दिया, वाह भाई वाह क्या श्रेय, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन एक तरफ किया, मोनेटाइजेशन दूसरी तरफ आप कर रहे हो। उस दिन राहुल जी ने बोला नहीं कि इनके लिए GDP का मतलब है कि GDP बढ़ रही, GDP बढ़ रही, तो GDP का अर्थ ही जानते हैं कि गैस डीजल पेट्रोल इन तीनों के दाम बढ़ रहे हैं, तो वही GDP बढ़ रही, बाकी असली में तो कोई GDP नहीं बढ़ रही, तो इसलिए जो है बहुत विचित्र स्थिति है। शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि सरकार लीज के नाम पे सारा गड़बड़ झाला कर रही है, अपने जो असेट से बेच रही है, कोर्ट में आप जान ही रहे, सुप्रीम कोर्ट पे भी आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया राफेल की बात कह के, वहां जाएंगे नहीं, संसद में आपके पास 43 सांसद है, वहां आपके पास इतना बल नहीं है कि सरकार को, और आप कह रहे हैं कि मनमर्जी की सरकार है, तो फिर होगा क्या? फिर आपका ये सिर्फ नहीं, हर जगह रोड पे आएंगे निश्चित रूप से, आपका सुझाव अच्छा है, क्योंकि आप ही बताइए विपक्ष करेगा, संसद में आप उठाने नहीं देते, आप धींगा मुस्ती से बिल पर, हमारे जमाने में तो संसदीय कार्य मंत्री भी देश का था, एक बिल जो है शोर शराबे हंगामे में नहीं पारित करते थे जब तक विपक्ष को हम विश्वास में नहीं लेते थे। अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता थे, सुषमा स्वराज जी, मैं खुद उनके कमरे में जाके बात करता था कि भाई अब ये बिल है आप देख लो इसको करके, लेकिन हंगामे में हम नहीं पास करेंगे, इन्होंने तो सब हंगामे धींगा मुस्ती में पास करा दी हर चीज़ जो है वहाँ संसद में, तो ये जो है संसद में सुनते नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका जिनके लिए सबसे बड़ी कोर्ट है जनता की कोर्ट, जी एक राजस्थान से जुड़ा हुआ सवाल था कि आज बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि जो स्थानीय चुनाव जो है उनमें सत्ता का दुरुपयोग होता है, जी बताएंगे लोकल सवाल आप, लेकिन ये पूछना है कि यही चीज उत्तर प्रदेश में बोले जहाँ पर्चे खारिज कर दिए गए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस जितने दल थे विरोधी दल उनके पर्चे ही खारिज कर जबरदस्ती धींगा मुस्ती से डिक्लेयर कर दिए उन्होंने, प्रधान भी जिला परिषद चुनाव भी सब कुछ DMSP के जरिए, पूछो ये जरा मांग उत्तर प्रदेश में करके देखे तो वहाँ क्या किया। बीजेपी ने जो आरोप लगाया कि पहले ये राष्ट्रीय खत्म हो जाए फिर आपको लोकल में, एक सवाल मेरा ये था कि 2018 के चुनाव के समय आप आए थे, केंद्र से काफी नेता आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि खान घोटाला 20,000 करोड़ का हुआ है और जो जिम्मेदार नेता मंत्री मुख्यमंत्री जो भी होगा उसको हम सजा देंगे। ये आप लोकल पीसी की बात करूंगा, आप निश्चित रहे, शुक्ला जी आए अभी अभी जो कह रहा है उसकी बात कीजिए। सही कह रहे हैं, एक आपके जो कांग्रेस शासित स्टेट्स हैं आप ठीक है बीजेपी से लड़ने की बात आती है, लेकिन जो इन फाइटिंग है कांग्रेस के भीतर उसको दूर करने के लिए जो नेतृत्व के सवाल उठते हैं
उनपे कोई रोड मैप बनाया कांग्रेस ने? कोई राजनीतिक दल बताओ जिसमें फाइटिंग ना हो, एक नाम बता दो मुझे हर राज्य में, है ना? प्रेस क्लब में भी खूब है, है? तो ये जो हाँ लोग हर जगह है, है तो ये जो है बता दो इनके यहाँ कितने ग्रुप है, नौ नौ ग्रुप है भाजपा में राजस्थान में, कितने ग्रुप है इनके यहाँ हर राज्य में उठा लो हर पार्टी में। नहीं हमें अपनों से नहीं लड़ना, हमारे सब लोगों के घर के अंदर जो जहाँ ये होता है इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, परिवार में होते हैं लेकिन आखिर में हम सब एकजुट हैं, कहीं अलग नहीं है। एक सवाल था मेरा, आप कहने का जनता की अदालत में जाएंगे, आप 2014 से जनता की अदालत में है, लेकिन जनता की अदालत आपकी सुन कहाँ ले गई? जितने भी चुनाव हुए सब ने निकाल दिया आपको। जनता जो है ना, जनता सर्वोपरि है, जब तक नहीं सुनेगी तब तक हाथ जोड़ के उसके पास जाते रहेंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जब वो सुनेगी एक दिन तो आप सुनोगे ना, एक दिन तो आप सुनोगे ना। मध्य प्रदेश में सुना, मध्य प्रदेश सुना, राजस्थान में सुना, पंजाब में सुना, कर्नाटक में सुना, और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें देखो, और देखो पश्चिम बंगाल ने जनता ने कैसा ममता को सुना, जो वो विपक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ भी आप करें कि 53 MP आपके, पूरा विपक्ष एक साथ था संसद में। चलो ठीक है, हमने कुछ वो भी आप करो, जनता नहीं सुनती, आपने सवाल जनता पे किया तो जन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जन ममता भी तो उनका विरोध करती तो उसकी सुनी ना जनता ने कि नहीं सुनी? DMK की सुनी जनता ने कि नहीं सुनी तमिलनाडु में? ये बात है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि निकाय जो इलेक्शन चल रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जोधपुर भरतपुर नगर वेर में, और डराया धमकाया जा रहा है। अरुण चतुर्वेदी की तरफ से आरोप लगाया गया कांग्रेस सरकार बिल्ली खंभा पहुंचे, जब हार दिखाई दे रही है तो इस तरीके की बौखलाहट भरे बयानबाजी कर रहे हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। अगर सत्ता का दुरुपयोग कहीं देखना हो तो आप केंद्र की सरकार का देखिए, सत्ता का दुरुपयोग हमने पिछले 5 साल देखा जब धौलपुर में बाई इलेक्शन था। सत्ता का दुरुपयोग अगर कहीं देखना हो तो एक दिन उत्तर प्रदेश में भी जाकर के देख के आइए किस तरीके से धमकाया जाता है, किस तरीके से पर्चे खारिज किए जाते हैं। और सत्ता का दुरुपयोग देखना हो तो किसान अन्नदाता 9 महीने से धरने में बैठा है और उसकी सुन नहीं रहे हैं। सत्ता का दुरुपयोग देखो तो राजस्थान में 3 कानून पारित किए थे किसान के हित के, आज तक महामहिम राज्यपाल के पड़े ऊपर नहीं गए। और भी पूछना हो तो 10-20 चीजें और बता दूंगा। उन्होंने जो सुझाव दिया है बीजेपी ने कि दल बदल कानून है वो लोकसभा संसद इसकी तरह यहाँ पर भी लागू हो स्थानीय निकाय में, क्या कांग्रेस? कानून तो कानून है, उनका समय आया था क्यों नहीं किया उन्होंने? उन्होंने उनको तो ये चाहिए कि खुद एकजुट हो अपने पैरों पे। उत्तर प्रदेश में लागू किया, पहले लागू कराओ ना उत्तर प्रदेश में दल बदल कानून, बोलो उत्तर योगी जी से मांग करो। उनकी सत्ता थी, केंद्र में भी थी, ये जो विधान परिषद का है कितने साल से लिए बैठे हैं वो, हमने यहाँ से सर्वसम्मति से भेजा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने भेजा, आप बताइए क्या हुआ? तो ये कथनी और करनी में फर्क है, यही तो बात कह रहे हैं हम, ये न तो जनता की सुन रहे हैं न विपक्ष की सुन रहे हैं और न अपने पार्टी के नेताओं की सुन रहे हैं, यही तो दुर्भाग्य है देश का, अपनी पार्टी के लोगों की भी नहीं सुन रहे। राजनाथ सिंह जी कभी बोल रहे हैं क्या? दूसरे कोई नेता गडकरी जी का कोई बयान आया इस 5.5 साल में? पहले 5 साल में तो खूब बोलते थे। आठ ही थे, एक तो भूपेंद्र यादव जी आ गए तो 9 हो गए, नहीं तो 8 ही मान रहे थे। नाम नामों का क्या करोगे, उस ग्रुपों में दम हो तब तो बताऊ, ग्रुपों में तो एक एक व्यक्ति का ग्रुप है, वो प्रजातंत्र में कहीं नहीं होता कि पूर्व मुख्यमंत्री को दरकिनार किया जाता हो, प्रजातंत्र में कहीं नहीं होता कि नेता प्रतिपक्ष इस तरह की भाषा बोले कि पहले मेरे को पार्टी से निकालो और फिर किसी कार्यकर्ता को पार्टी में ले लो, प्रजातंत्र में ये कहीं नहीं होता कि मुख्यमंत्री की तभी वसुंधरा जी की नहीं चलती थी, अब तो चलने का सवाल ही नहीं है। प्रजातंत्र में ये कहीं नहीं होता कि पूर्व मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े जाएं, ये प्रजातंत्र में कहीं नहीं होता, ये राजस्थान की भाजपा में हो रहा है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रही है।
हम तो ये कहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए। जो केंद्र में तो मजबूत प्रतिपक्ष है लेकिन उसको सुना नहीं जा रहा है, और यहां पर प्रतिपक्ष खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। अपने ही आपस के झगड़ों के अंदर राजस्थान के किसी भी मुद्दे को वो ढंग से उठा नहीं पा रहे। सर निंबाराम जी, भी आपने सवाल उठाया था, उन्होंने कोर्ट में अपील लगा दी है कि हमें इसको, ये हमारी बात प्रमाणित होगी कि वो दोषी है, नहीं तो उनको कोर्ट में जाने की कहां जरूरत पड़ गई थी। अगर एफआईआर की तरफ चला जाता वो एफआईआर, तो उनको कोर्ट में जाने की शायद जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब हमने सही कहा था कि निंबाराम जी दोषी है, और दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट का भी देख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, नमस्कार। चाय के लिए सभा मंत्री सब ढाई साल आगे की बात कर रहे हैं, उनका पता ही नहीं रहेगा वो क्या स्थिति बनेगी। कौन कौन चाय के लिए सब आमंत्रित है।